अभिषेक के साथ नाच में आपने काम किया था, अब दोबारा सरकार में, किस तरह का फर्क आप देखते हैं अभिषेक में एज ए पर्सन और एज एन एक्टर? सी, अभिषेक इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड एज एन एक्टर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम और ही अंडरस्टैंड सटलिटीज, ही अंडरस्टैंड फ्रेम में किधर ही हैज टू बी ओवरटर्न and some places where he has to be subdued. I think he's got a fantastic understanding of that. इन दोनों को एक साथ एक फ्रेम में खड़ा करने के लिए किस तरह की आपको तकलीफ कह सकते हैं या परेशानी, क्योंकि पिछले 5 साल से बच्चन साहब के साथ डिस्कशन चल रहा था इस फिल्म, दोनों को एक फ्रेम में खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ा? नहीं, सर, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज पिक्चर आइडिया दिमाग में बनती है और आप शूटिंग पे यू जस्ट काइंड ऑफ रिप्रोड्यूस इट. सो बाय द टाइम वी वेंट टू द सेट, एवरीवन वाज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वर सपोज्ड टू डू. बैकग्राउंड स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अमर मोहिली ने किया है, एक्स्ट्रॉर्डनरी म्यूजिक किया है और मैं सोचता हूँ उसकी विदाउट इज म्यूजिक इट वोंट बी द सेम पिक्चर. आई पर्सनली बिलीव इट्स माई बेस्ट वर्क सो फार व्हाट आई हैव डन एंड बाकी हैव टू द पीपल हैव टू से दैट. See, no film can be compared to another film in the setting of the Indian milieu in Bombay power structure. I believe it is completely correct to it. So that's what I'm saying. It is not Godfather. It is influence. It is inspired by Godfather. It's different. So in the Godfather was made 25 years back, and we're making it now. And this is much more modern technique. The equipment available now is different. Everything is different. So any which level you cannot compare two films. Ramu ji, अभी आपने कहा कि अगर इस शहर में कोई इस फिल्म को देख के अगर लगता है कि बाला साहब ठाकरे का ये है, तो जो भी एक्स वाई जेड फिल्म जिन जिन को आपने दिखाया उनमें से किसी ने ऐसा कहा कि हाँ ये कैरेक्टर लगता है कि बाला साहब ठाकरे का? कोई नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा.